जरूरी है। मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट में ऑलरेडी जीव अत्यंत सूक्ष्म रूप में पहले से कहनेची क्या होती है उपस्थित होती है। जब दोनों आपस में मिलकर नई संतान बनाएंगे तो इसमें भी कहनेची नई संतान में माता पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। क्लियर। उसके बाद है एक लास्ट सिद्धांत है पेनजेनेसिस थ्योरी। लास्ट सिद्धांत है पेनजेनेसिस थ्योरी। इस सिद्धांत को सबसे पहले मॉपर टीएस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। पेनजेनेसिस सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया था? मॉपर टीएस एक साइंटिस्ट ने दिया था। इनका कहना है कि जनकों के शरीर में मतलब माता पिता के शरीर में अत्यंत सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। जनकों के शरीर में अत्यंत सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। इस अत्यंत सूक्ष्म कण को ही क्या माना गया है? पेंजिन माना गया है। इस अत्यंत सूक्ष्म कण को ही क्या माना गया है? पेंजिन माना गया है। मतलब नर और मादा में अत्यंत सूक्ष्म कण पाए जाएंगे। उस अत्यंत सूक्ष्म कण को मॉपर टीएस नामक साइंटिस्ट ने क्या माना है? पेंजिन। तो माता में भी बनेंगे पिता में भी बनेंगे। जब कहना चाहिए माता और पिता के कहना चाहिए दोनों पेंजिन आपस में मिलकर जब नई संतान बनाएंगे तो उस नई संतान में हम लोग देखते हैं कुछ लक्षण माता के प्रभावी होते हैं और कुछ लक्षण पिता के प्रभावी होते हैं। आप लोग थोड़ा देख भी सकते हैं, मनन कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति को देखेंगे तो उस साइड हमें कहना चाहिए कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो पिता के दिखाई देते हैं, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो माता के दिखाई देते हैं। तो जो लक्षण माता का रहेगा वो प्रभावी था और जो लक्षण पिता का था वो लक्षण क्या था? प्रभावी था। ठीक है जी। तो मॉपर टीएस नामक साइंटिस्ट का कहना है कि जनकों के शरीर में अत्यंत सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, उस अत्यंत सूक्ष्म कण को ही हम लोग क्या बोलेंगे? पेंजिन कहेंगे। और ये माता पिता के दोनों पेंजिन कहना चाहिए आपस में मिलकर जब नई चाइल्ड बनाते हैं तो कुछ लक्षण माता के दिखाई देते हैं और कुछ लक्षण पिता के दिखाई देते हैं। मतलब जिनका प्रभावी रहेगा वही लक्षण दिखाई देगा, जिनका अप्रभावी रहेगा वो लक्षण क्या हो जाएगा? दब जाएगा और प्रभावी लक्षण क्या होगा? दिखाई देगा। ठीक है। इसी सिद्धांत को बाद में कहना चाहिए डार्विन नामक साइंटिस्ट ने थोड़ा सा मॉडिफाइड करके बताया। कई पुस्तकों में दिया रहता है पेनजेनेसिस थ्योरी किसने दिया है तो डार्विन का नाम रहता है, जबकि इसको वास्तविक रूप में किसने दिया था? मॉपर टीएस नामक साइंटिस्ट ने। बाद में डार्विन नामक साइंटिस्ट ने इसको मॉडिफाइड करके दिया है और मॉडिफाइड करते हुए उन्होंने ये बताया कि जनकों के शरीर में यहां तक कि प्रत्येक सोमेटिक कोशिका में, माता पिता के शरीर में यहां तक कि प्रत्येक सोमेटिक सेल समेत पेंजिन नामक अत्यंत सूक्ष्म कण बनते हैं। पेंजिन नामक सूक्ष्म कण उसमें बनते हैं और ये पेंजिन गेमेट के माध्यम से, मेल गेमेट फीमेल गेमेट के माध्यम से अगली पीढ़ी में जाते हैं। डार्विन ने इसको मॉडिफाइड करते हुए ये बताया कि जनकों के शरीर के प्रत्येक आर्गन में, यहां तक कि प्रत्येक सोमेटिक सेल समेत पेंजिन नामक सूक्ष्म कण बनते हैं और ये पेंजिन नामक सूक्ष्म कण गेमेट के माध्यम से, मतलब मेल और फीमेल गेमेट के माध्यम से एक पीढ़ी से किसमें जाते हैं? अगली पीढ़ी में जाते हैं। इतना क्लियर। तो ये कहना चाहिए क्या है? ये अनुवांशिकी या वंशक गतिकी का कहना चाहिए धारणाएं हैं। ये जो पुरानी धारणा है इसको तो कहना चाहिए अरस्तु ने इसे पहले दे दिया था। मतलब पुराने साइंटिस्ट भी ये मानते थे कि माता पिता में कुछ न कुछ अनुवांशिकी पदार्थ जरूर होते हैं जो एक पीढ़ी से किसमें जाते हैं? दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। लेकिन उस समय कहना चाहिए प्रायोगिक सत्यापन नहीं हो पाए थे। बाद में कहना चाहिए डार्विन नामक साइंटिस्ट आए। डार्विन नामक साइंटिस्ट ने अपना पूरा प्रयोग कहना चाहिए पौधों पर किया, विशेष रूप से मटर नामक पौधे पर किया। उन्होंने जंतुओं पर या फिर मानव पर अपना प्रयोग नहीं किए थे। और अभी कहना चाहिए लगभग 2020 चल रहा है, 2020 में कहना चाहिए अधिकांश क्रोमोसोम डीएनए जीन अधिकांश कहना चाहिए रासायनिक पदार्थ अनुवांशिकी पदार्थों का क्या कर लिया गया है? खोज कर लिया गया है और यहाँ पर आजकल प्रायोगिक सत्यापन भी हो चुका है। लेकिन ये धारणाएं कब की बात है? पहले की बात है जब क्रोमोसोम डीएनए जीन का खोज नहीं हुआ था। तो पुराने वैज्ञानिक भी मानते थे कि माता पिता में कुछ न कुछ ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो एक पीढ़ी से कहां जाते हैं? दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। क्लियर। तो आज के लिए लगभग इतना ही पढ़ते हैं, वेरिएशन के बारे में पढ़े और हल्का सा अनुवांशिकी का सिद्धांत। अगली पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे?
मेंडल, मेंडल का कहना है कि हम लोग लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे और उन्होंने क्या क्या कहना चाहिए प्रयोग किया है, किस पौधे पर प्रयोग किया है और कितने प्रयोग किए और क्या क्या नियम दिए, मतलब अगला अध्ययन हम लोग मेंडल का पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।